अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के खतरनाक तरीन रोड्स के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, आए दिन सड़कों पर बेशुमार हादसात रुनुमा होते हैं जिनकी कई वजूहात होती हैं, जैसे कि तेज रफ्तार से गाड़ी का चलाना, ड्राइविंग करते हुए हिफाजती तदाबीर का इख्तियार ना करना, गैर हमवार और खतरनाक सड़कों पर गाड़ी चलाना। एक आलमी अदारे WHO के मुताबिक सालाना 13 से 14 लाख अमवात रोड एक्सीडेंट की वजह से होती है। तो आइए नाजरीन जानते हैं दुनिया के खतरनाक तरीन रोड्स के बारे में। नंबर एक पे है कराकरम हाईवे। नाजरीन, शहराए कराकरम को फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है। ये शहरा पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों ने मिलकर बनाई। इस रोड का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन रोड में होता है। 4693 मीटर की बुलंदी पर बनी ये रोड नहायत ही खतरनाक है। यहाँ पर ज्यादा खतरा सैलाब और लैंडस्लाइड्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से कई जानी नुकसान होते हैं। नाजरीन, इस रोड की तामीर के दौरान 82 चाइनीज और 810 पाकिस्तानी वर्कर लैंडस्लाइडिंग की वजह से हलाक हुए थे। नंबर दो पे है वीडो मेकर। नाजरीन, बरतानिया में कि यह रोड भी खतरनाक तरीन रोड है। सन 2006 से 2008 के दौरान इस रोड पर 34 हादसात हुए थे। इसलिए सन 2010 में बरतानिया के रोड सेफ्टी के इदारे ने इस रोड को बरतानिया का खतरनाक तरीन रोड करार दे दिया। इस रोड पर ज्यादातर हादसात बाइक चलाने वालों के होते हैं, जो खुली हवा में लुत्फ लेने के लिए इस रोड पर सफर करते हैं। इस रोड के खतरनाक होने की वजह से यहाँ के मकामी लोगों ने इसका नाम वीडो मेकर यानी बेवा बनाने वाला रख दिया। नंबर तीन पे है कोस्ट रूट क्रोशिया में। नाजरीन, क्रोशिया में मौजूद इस रोड का शुमार भी खतरनाक तरीन रोड्स में होता है। एक अंदाजे के मुताबिक क्रोशिया में सालाना तकरीबन 12,000 के लगभग हादसात होते हैं। अगरचे इस मुल्क में रोड सेफ्टी के बहुत अच्छे और बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, फिर भी यहाँ हादसात की शरह बहुत ज्यादा है। इन हादसात की बुनियादी वजह यहाँ पर ट्रैफिक का ज्यादा होना और तेज रफ्तारी में गाड़ी का चलाना है। इसके अलावा इस रोड पर मोड़ भी बहुत खतरनाक हैं। जाहिरी सी बात है, इतनी तेज ड्राइविंग में और इतने रश में गाड़ी चलाते हुए मोड़ भी खतरनाक आ जाए तो हादसात पेश आ ही जाते हैं। नंबर चार पे इटली स्टेलवियो पास। नाजरीन, इटली की ये रोड पहाड़ पर बनी हुई है। ये 2 किलोमीटर तक की बुलंदी तक जाती है। इस रोड पर भी खतरनाक मोड़ है। नाजरीन, ये रोड देखने में जितना खूबसूरत नजारा पेश करती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। नाजरीन, नंबर पांच पे है लास क्रॉकलेस पास। नाजरीन, चिली में वाकई ये रोड चिली मुल्क को अर्जेंटीना से मिलाती है। इस रोड की लंबाई 4,900 फुट है। इस रोड पर जगह जगह मोड़ बनाए गए हैं और ये रोड तकरीबन 3,000 मीटर की बुलंदी तक जाती है और इस रोड पर हफाजती रुकावटें भी ना होने के बराबर हैं। इसके अलावा नाजरीन, मौसम सरमा में ये रोड बर्फ की वजह से बंद भी हो जाता है। ताहम सयाह मौसम सरमा में भी इस रोड की सैर करने के लिए हवाई जहाज या फिर रेलवे के जरिए भी जा सकते हैं। नंबर छह पे है गोलियांग टनल। नाजरीन, चाइना में गोलियांग के इलाके में ये रोड एक गार में बनाई गई है। ये एक खतरनाक तरीन रोड है जो कि 1.2 किलोमीटर एक गार में से गुजरती है। नाजरीन, ये सुरंग इस इलाके के मकामी लोगों ने खुद हथौड़ों की मदद से 1972 में बनाई। इसकी तामीर के दौरान बहुत से लोग हलाक भी हुए। नाजरीन, ये सुरंग 4 मीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची है। इस सुरंग को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह हजरात आते हैं। नंबर सात पे है जुजीला पास। नाजरीन, हिमालय के पहाड़ों के मगरबी अतराफ पर बनी ये रोड लद्दाख और कश्मीर के दरमियान वाके है। नाजरीन, इस रोड की लंबाई 9 किलोमीटर है। इस रोड पर कोई भी हिफाजती तदाबीर नहीं की गई, ना ही इस रोड पर कोई लाइट का इंतजाम है और रोड भी टूट फूट का शिकार है। मौसम सरमा में इस रोड पर बर्फ की वजह से रोड बंद हो जाता है। नंबर आठ पे है इराकीज हाईवे ऑफ डेथ। नाजरीन, ये रोड कुवैत और बसरा के दरमियान वाके है। फरवरी 1991 में जंग के दौरान अमरीकी जहाज से बमबारी की गई। इस बमबारी में बहुत सारे इराकी टैंक और ट्रक जो कि इस रोड पर थे तबाह हो गए और बहुत सारा जानी नुकसान भी हुआ। नाजरीन, तकरीबन 10,000 के नजदीक लोग इस रोड पर मारे गए। इस वजह से इस रोड को हाईवे ऑफ डेथ भी कहा जाता है। नंबर नाइन पे है बोलविया रोड ऑफ डेथ। नाजरीन, बोलविया का ये रोड भी एक बहुत खतरनाक है। ये रोड लाबाज से कोरिगो तक 65 किलोमीटर के रकबे पर बना हुआ है। अक्सर लोग एडवेंचर्स के लिए साइकिलों पर इस रोड पर जाते हैं। इस रोड पर हर साल कई जानी नुकसान भी होते हैं, इसलिए इस रोड को अमेरिका के बैनुल अक्वामी तरक्याती बैंक ने खतरनाक तरीन रोड करार दे दिया। नंबर 10 पे जो रोड है वो
جلال آباد سے کابل کے درمیان ہے۔ ناظرین، کابل سے جلال آباد جاتی ہوئی اس روڈ کا شمار بھی خطرناک ترین روڈز میں ہوتا ہے۔ اس روڈ کی لمبائی 65 کلومیٹر ہے۔ اس روڈ کے خطرناک ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ روڈ تنگ بھی بہت ہے اور جگہ جگہ پر موڑ بنے ہوئے ہیں، اور دوسرا بہت سے ٹرک ڈرائیور یہاں پر تیز سپیڈ میں اوورٹیک کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اچھا تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل نالج ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔